हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ चावल के आटे की बर्फी बनाना, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। हमें उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर करिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। हम ले रहे हैं यहाँ पर आधा कटोरी चावल का आटा। चावल का आटा मैंने घर पर तैयार किया है। पहले चावल को धो दिया, अच्छे से सुखा लिया इसे, और फिर मिक्सी में हल्का दरदरा इसे पीस लेना है। तो बस चावल का आटा तैयार हो जाता है बनकर। पूरा महीन नहीं पीसना है हमें, हल्का दरदरा ही इसे पीस लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अभी हम एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। बहुत ही कम घी डालकर बना रही हूँ मैं। 2 चम्मच घी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है, तो अभी हम इसमें चावल के आटे को डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पे कर देंगे और इसे हम लगातार भूनते रहेंगे। 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे इसे। हल्का ब्राउन कलर के होने तक हम इसे भून लेंगे। लगातार इसे चलाते रहें, चला चला कर इसे अच्छे से भून लें। तो अभी आटा हमारा अच्छे से भून चुका है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे 5 से 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। आटा हमारा अभी अच्छे से ठंडा हो चुका है, हाथों से छू कर दिखा रहे हैं आपको। तो ये ठंडा हो चुका है अच्छे से, तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी की जगह पे आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पानी नहीं बना रहे हैं। हम यहाँ पे 3 से 4 गिलास के लगभग पानी यहाँ पे डालेंगे। इसमें आटे को ठंडा करके ही पानी को डालें, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अगर गर्म आटे में पानी डालेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। हम गैस को ऑन कर लेते हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। जितना हमारा आटा था उतना ही हम इसमें चीनी भी ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से चला लेते हैं। तो अब हम इसमें उबाल आने देंगे। जैसे इसमें उबाल आ जाती है, फिर से हम इसे चला लेंगे। तो बैटर अब हमारा सूखने लगा है, तो हमें इसे लगातार चलाते ही रहना होगा। लगातार चला चला कर हम इसे सुखा लेंगे। बर्फी बनाने के लिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी होने वाला है। कढ़ाई को छोड़ने लगा है ये बैटर, तो हम इसे गैस को बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी बिल्कुल बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बैटर को हमने यहाँ पर थाली में अच्छे से फैला लिया है, तो अभी इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो बैटर हमारे यहाँ पर ठंडा हो चुका है, तो आप इसे किसी भी शेप में यहाँ पर कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कट कर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बर्फी का ये डिज़ाइन दिया है, आप यहाँ पे किसी भी शेप में कट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना दूध ऐड किया, ना मिल्क पाउडर। बर्फी बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।